Morning, all of you, and welcome back to online classes of Mahanapata. Today we will discuss about the replacement and the regional continuity model. आज हम डिस्कस करेंगे replacement और regional continuity model. क्या कहता है ये model देखते हैं. The replacement model visualizes the complete replacement everywhere of all older form of human with modern humans. ये थ्योरी या ये model कहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी old human beings थे उन्होंने अपनी फॉर्म जो थी वो पूरी तरह से अब चेंज कर दिए, रिप्लेस कर लिए. इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यूज इज द एविडेंस ऑफ द जेनेटिक एंड द एनाटॉमिकल होम्योजेनिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस. दोज हु सजेस्ट दिस आर्ग्यू दैट द एनॉर्म सिमिलरली अमंग द मॉडर्न ह्यूमंस इज ड्यू टू देयर डिसेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट ओरिजिनेटेड इन द सिंगल रीजन. अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो आर्ग्यू करते हैं, मतलब एक एविडेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो सब अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वो एक ही सिंगल रीजन से बिलोंग करते हैं. तो मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं. ऐसा इसलिए हैं क्योंकि ये जो डिसेंट पॉपुलेशन जो हैं वो एक सिंगल रीजन यानी कि जो अफ्रीका जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुई है और वहाँ से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर किया है. इस वजह से उनके अंदर कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं. ऐसा इस ग्रुप को सजेस्ट करने वाले लोग जो हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं. द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस फ्रॉम ओमो इन इथोपिया आल्सो सपोर्ट द रिप्लेसमेंट मॉडल. मॉडर्न ह्यूमन के जो सबसे अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स तो पहले भी मिले लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस के जो फॉसिल्स जो मिले हैं वो जो कि इथोपिया के अंदर मिले वो भी इस रिप्लेसमेंट मॉडल को सपोर्ट करते हैं. स्कॉलर हु होल्ड दिस व्यू suggest that the physical differences observed today among modern humans are the result of the adaptation over a span of thousands of years by population who migrate to particular region where they finally settled down. जो scholar हैं जो इस group को support करने वाले, इस theory को support करने वाले, उनका ऐसा मानना है कि population यानी कि ये जो लोग हैं उनके बीच में ये जो physical differences जो हैं जो हम observe कर रहे हैं वो आजकल की बात नहीं है. थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो ये जो पॉपुलेशन या ये जो लोग जो थे वह एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, तो उस माइग्रेट होने के कारण उस पर्टिकुलर रीजन के जो एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग वो मॉडर्न ह्यूमन ने अपने आप को ढाल लिया. फिर से समझना इस बात को. ये जो रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स हैं वो कहता है कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन जो हैं वह किसी एक जगह पर डायरेक्ट सेटल डाउन नहीं हुआ है, कई जगह से वो माइग्रेट होता होता प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर वो सेटल हुआ है. तो थाउजेंड ऑफ ईयर अगो जब उन्होंने अपने आप को माइग्रेट करना स्टार्ट किया तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एनवायरनमेंट में वो रहे और उस रीजन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ के जो लोग जो थे उन्होंने अपने आप को ढालना स्टार्ट किया, वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होते गए और फाइनली जो हम मॉडर्न ह्यूमन देख रहे हैं उसके बीच में ये अलग अलग डिफरेंसेस हमको देखने मिल रहे हैं. सो फार वी हैव बीन कंसीडरिंग द एविडेंस ऑफ द स्केलेटल रिमेन एंड द सीइंग हाउ दिस हैव बीन यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरियंस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट. अभी हमारे पास में जो कुछ स्केलेटन जो मिले हुए उसको देखकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरियंस किस तरह से उसको रीड करते हैं और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के काम करते हैं. अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार के स्केलेटन जो मिले हैं उसको किस तरह से वो स्टडी मटेरियल के रूप में लेते हैं. बट देर आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज लेट अस सी हाउ दिस कैन बी स्टडीड. अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज सच एज अ गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवनिंग एंड फिशिंग. टीक लगाना है. अर्ली ह्यूमन जो था वो अपना फूड जो था वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करता था, हंटिंग से, स्कैवनिंग से, फिशिंग से. गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरियस, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स. अपना फूड जो वो कलेक्ट करता था वो कहाँ से करता था? कलेक्टिंग फूड प्लांट फूड सच एज सीड्स, सीड का यूज करता था, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स. द गैदरिंग वॉज प्रैक्टिस इज जनरली अज्यूम्ड रादर देन कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश एज देयर इज अ वेरी लिटिल डायरेक्ट एविडेंस फॉर इट. वाइल वी गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ फॉसिल बॉन्स, फॉसिल प्लांट रिमेन्स आर रिलेटिवली रेयर. तो मे बी शायद अर्ली ह्यूमन उतना ही फूड गैदर करते थे या फूड कलेक्ट करते थे जितना उनको यूज करने की जरूरत थी.
ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें जो फॉसिल्स जो बॉन्स मिले हैं उसमें किसी तरह के प्लांट्स के रिमेन जो हैं वो उन फॉसिल बॉन्स के साथ में नहीं मिले हैं। दी ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी इफ प्लांट रिमेन्स वर एक्सीडेंटली बर्न्ड। कभी कभी कुछ स्केलेटन जो हैं उनके साथ में एक्सीडेंटली ये जो प्लांट्स के रिमेन जो हैं वह बर्न हो जाते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन कार्बनडाइजेशन इन दिस फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। हाउएवर सो फार आर्कियोलॉजिस्ट हैव नॉट फाउंड मच एविडेंस ऑफ द कार्बोनाइज्ड सीड्स फॉर दिस वेरी अर्ली पीरियड। इन रिसेंट ईयर्स द टर्म हंटिंग हैज़ बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स इंक्रीजिंगली। हाल ही के दिनों में स्कॉलर जो है उन्होंने हंटिंग को किसे डिस्क्राइब किया है। इट इज़ बींग सजेस्टेड दैट द अर्ली होमिनिड्स स्क्वेंज्ड और फोर्ग्ड फॉर मीट एंड मेरो फ्रॉम द कैराकेसिस ऑफ एनिमल दैट हैड डाइड नेचुरली और हैड बीन किल्ड बाय अदर प्रीडेटर्स। हाल ही के जो स्कॉलर हैं उनका ऐसा मानना है कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो स्क्वेंज्ड और फॉर्ग्ड। स्क्वेंज्ड का मतलब होता है कुरेद कर खाने वाले। तो हो सकता है अर्ली ह्यूमन जो थे वह कई सारे ऐसे एनिमल्स जो थे वो जो नेचुरली डाइड हो गए थे या उसको किसी एनिमल्स के द्वारा मार दिया गया था और वो इधर इधर पड़े रहते थे, उससे वो मीट निकाल कर भी वो खाते थे। ऐसा हो सकता है। समझ में आया कि जैसे आजकल जैसे जंगलों में जानवर मरे पड़े होते हैं या इधर उधर मरे पड़ते हैं उसको जंगली जानवर खा जाते हैं चाहे वो सड़ा गला हो। तो हो सकता है अर्ली ह्यूमन जो था वो भी उस जो एनिमल्स जो नेचुरली डेड हो गए हैं या उसको किसी दूसरे एनिमल के द्वारा मार दिया गया है उसका जो मीट था उसका जो फ्लैश जो था उसको स्क्वेंज्ड यानी कि साफ कर कर वो उसको खाता था। इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट द स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट वर ईटन बाय अर्ली होमिनिड्स। इंसेक्ट में भी टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक। ये भी पॉसिबल है कि अर्ली ह्यूमन कुछ स्मॉल मैमल्स जो थे जिसमें रोडेंट्स बर्ड्स रेप्टाइल्स रेंगने वाले और इंसेक्ट को भी खा जाता था। तो सीधे सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन जो था वह फूड के सर्च में जब इधर उधर भटकता था तो उसको जो कुछ भी मिलता चाहे वो कीड़े मकोड़े थे या कोई मैमल्स थे या कोई रेप्टाइल्स जो थे या एग्स थे जो भी उसको हासिल होता वो उसको खा जाता। हंटिंग प्रोबेबली बिगन लेटर अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो। हंटिंग जो थी वो शायद 5 लाख साल पहले स्टार्ट हुई होगी। उससे पहले उसको जो भी उधर उधर से मिलता उसको वो स्क्वेंज करके उसको खाता था। द अर्लीस्ट क्लीन एविडेंस फॉर द डेलिब्रेट प्लांट हंटिंग एंड द बॉचसी ऑफ लार्ज मैमल्स कम फ्रॉम 2 साइड्स। जो प्लांट हंटिंग के जो एविडेंस जो मिले हैं वो 2 साइड से मिले हैं। कौन कौन से 2 साइड्स हैं? बॉक्सग्रोव इन साउथर्न इंग्लैंड 5 लाख ईयर्स अगो एंड द सोनिंगन इन जर्मनी 4 लाख ईयर्स अगो। मतलब जो प्लांट हंटिंग के जो एविडेंस जो मिले हैं वो एक तो इंग्लैंड से मिले हैं और दूसरे जर्मनी से मिले हैं। वो भी कब? 5 लाख से 4 लाख साल पहले के एविडेंस मिले। फ्रॉम अबाउट 35,000 ईयर्स अगो देर इज एविडेंस ऑफ प्लांट हंटिंग फ्रॉम सम यूरोपियन साइट्स। सम साइट्स सच एज डोलनी वेस्टोनाइंस इन द चेक रिपब्लिक। कुछ एविडेंस जो है वो लेटेस्ट जो मिले हैं जैसे 35,000 ईयर्स अगो के जो एविडेंस जो मिले हैं वो जैसे चेक रिपब्लिक में मिले हैं। विच वॉज नियर अ रिवर सीम टू हैव बीन डिलिबरेटली चूजन बाई अर्ली पीपल। हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज अ रेंडियर एंड हॉर्स प्रोबेबली क्रॉस द रिवर ड्यूरिंग देयर ऑटोमन एंड स्प्रिंग माइग्रेशंस एंड वर किल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। चेक रिपब्लिक में ये जो 35,000 ईयर्स अगो के जो लेटेस्ट जो एविडेंस जो मिले शायद वो ऐसा हुआ होगा। हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि रिवर्स जो थे उसको क्रॉस करते वक्त ऑटोमन सीजन में ये जो एनिमल्स जो थे वो रिवर्स क्रॉस करके जाते होंगे तो उस टाइम अर्ली ह्यूमन जो थे उन्होंने उसको मार दिया है, उनका शिकार कर लिया था। उस टाइम वहाँ पर जो एविडेंस जो मिले हैं उनमें रेंडियर और हॉर्स ज़्यादा हैं। रेंडियर एक डियर फैमिली से बिलोंग करता है, रेंडियर जिसको हम कहते हैं। तो वो जब ऑटोमन सीजर के टाइम पर वो जो रिवर क्रॉस करके जा रहे होंगे उस टाइम उनका शिकार कर दिया गया होगा। द चॉइस ऑफ सच साइट्स इंडिकेट्स दैट पीपल न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स एंड आल्सो अबाउट द मीन्स ऑफ किलिंग लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स क्विकली। इससे ये साबित होता है कि उस टाइम के ह्यूमन जो थे उनको पता था कि ये जो एनिमल्स जो हैं वो कहाँ से
मूव करते हैं और कहाँ जाते हैं, कौन से सीजन में जाते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को वहाँ पर सेट करते थे और फिर उनका वो शिकार करते थे। डिड मैन एंड वुमन हैव डिफरेंट रोल्स इन गैदरिंग, स्क्वैनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग? वी डू नॉट रियली नो। टुडे वी फाइंड सोसाइटीज दैट लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, वेयर वुमन एंड मैन अंडरटेक अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें वुमन का क्या रोल था और मैन का क्या रोल था, बट एज वेल सी लेटर इन द चैप्टर इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सजेस्ट द पैरेलल विद द पास्ट।